नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। आज हम बात करेंगे आपके जून के महीने के बारे में कि जून का पहला और दूसरा हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो हम बात करेंगे कैंसेरियंस के बारे में। तो आपके फाइनेंसेस देखते हैं, आपका करियर देखते हैं और आपकी ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं, जानेंगे आपके हेल्थ और लव लाइफ के बारे में भी। बैलेंस आ गया आपकी लाइफ में, है ना? फाइनेंसिस को लेके तो बहुत बैलेंस आ गया है। आप सोचते हैं कि अब आ जाए तो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, है ना? बट जो दिमाग है ना, वो बहुत ख़राब है। उसको लगता है मैं उड़ जाऊँ, सबको छोड़ के भाग जाऊँ, सब मेरे लिए बस मेरे पैसे के पीछे भागते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब ने मुझे बस पैसे के लिए यूज़ कर रखा है। इस तरह के ख्याल आते हैं। बहुत मेहनत करते हैं आप, देख पा रही हूँ मैं। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, बहुत मेहनती हैं आप। पर ये बात बिल्कुल सच है कि आपने सबको इक्वल गिव एंड टेक दिया है, बट कई सिचुएशंस में आपने इतना दिया है कि वहाँ पे आपको देना नहीं चाहिए था, बट आपने दे दिया। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत साफ थी, आपका दिल साफ था। पर अब ये ऐसा टाइम आ गया है कि अगर आपको घर छोड़ के जाने की ज़रूरत भी पड़े तो मुझे लगता है कुछ लोग तो जाने को भी तैयार हैं। इतना आप लोग टेंशन और स्ट्रेस में बैठे हैं कि अब अपने लिए कमाना है और अपने पे ही इंजॉय करना है। आप लोगों ने ये बात सोच ली है, पर आपको लगता है कि आपका ये डिसीजन आपके लिए फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा? एक टाइम आता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा आप कमा तो लेंगे, बट खर्च कितना टाइम अकेले इंजॉय कर लेंगे? तब आपको चाहिए होती है आपकी फैमिली, आपकी लव लाइफ, है ना? सेल्फ लव करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट आप तो सेल्फ लव भी नहीं कर रहे हो। आप कमा कमा के दूसरों के एटीएम मशीन की तरह आपने अपना पैसा दिया है, और अब जब आपने ही दूसरों को बिगाड़ दिया तो फिर आप उदास क्यों रहे हो? पहले सोचना चाहिए था। अब उन सबको आदत पड़ गई है इस तरह से, तो आपने अपने आप को चेंज करना है। घर छोड़ के जाना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, पर अगर आप घर छोड़ के जा रहे हो तो जाइएगा जब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, कहीं पर अच्छा काम मिल रहा हो। और अगर आपको विदेश जाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आप विदेश भी जा सकते हैं या किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको घर छोड़ के वहाँ पे रहना पड़े, जाइए बहुत आराम से जाइए। बट अब किसी को ये अथॉरिटी मत दीजिए कि वो आपके फाइनेंस को संभाले। आपने किसी को भी अथॉरिटी नहीं देनी है। अगर आपने इस चीज़ का ख्याल रख लिया तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में आपने कुछ ना कुछ बना लेना है जो अभी तक आप नहीं बना पाए, ठीक है? अब आपके लिए एडवाइस जानते हैं। एडवाइस क्या है आपके लिए? सोचो, ढंग से सोचो। ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है आपकी लाइफ में। जितनी भी परेशानियां आपने झेली हैं वो आपको झेलनी थी, आपका कार्मिक था वो। आपने जिस जिसको आज तक जो भी दिया वो सब आपका कार्मिक था। आपने अपने कार्मिक डेप्थ क्लियर कर लिए, अपने पिछले जन्मों के सारे आपने कर्जे उतार दिए। अब परेशान नहीं होना, अब खुद के लिए काम करना है, तो अपने लिए सोचना है, है ना? तो अब वो काम जब आपको करना है तो करो। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। मुझे लगता है आपने किसी को अपनी ज़िंदगी में पसंद करके रखा है और बहुत ही जल्द आप उसको एक ऑफ़र देने वाले हैं, और अगर अभी तक नहीं दिया अब प्लीज़ करके आप उनको एक ऑफ़र दे दीजिए और आप एंगेजमेंट कर लीजिए, उनको लॉक कर लीजिए। क्योंकि अब जो आपके पास टाइम इन फ्यूचर आने वाला है वो कहीं ना कहीं एक बहुत प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में लेने वाला है। हो सकता है शायद आपका लव पार्टनर हो, आपकी लाइफ में आते ही आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो ये हो चुकी है और ये और हो जाएगी। उसके अलावा फिर भी अगर आपको कहीं मेरी ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और नीचे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नई वीडियोज़ के साथ। काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल। नमस्कार।